गंद पाया हुआ कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र का मैं तो कह आखूंगा कि इतों तो नॉमीनेशन ही कर लेंगे तो चंगा सीगा इलैक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता कोई एलीगेशन एक भी एलीगेशन साढ़े उम्मीदवार नहीं साफ सुथरे साढ़े उम्मीदवार कोई एक परसेंट भी किसी से कोई दाग नहीं था तो इन्होंने पहला समय तो लेट करता फिर कदे कुलजीत सिंह नागरे के दफ्तर चल जाते हैं कदे एडीसी को चल जाते हैं आपस में मीटिंग करते कुलजीत सिंह नागरे की घरवाली आदि अपनी हैगा उन्हें बनाया होया वो उन्हें चौधरी इतने हल्के रिट चलती आ इन्होंने बिल्कुल गलत तरीके दे नाल साडे विद होल्ड करे ने बंदे सानू पूर्ण यकीन है कि उन्होंने कोई भी उन्होंने इलेक्शन लड़न का कोई उन्होंने अधिकार नहीं दिता और लगभग साढ़े 9-10 उम्मीदवार जिहड़े आ वो लिस्ट च नहीं पाए और असी साढ़े मेन उम्मीदवार सीगे जिहड़ियां जितण वालियां सीटां साडियां पहले नंबर ते आउणे सीटां ने जितण तां सारियां सीगियां पहले नंबर से आने वाली चंगे चंगे उम्मीदवार ने सारे वार्डा के कागज जड़े आ उन्होंने कैंसल करी करे आ तो इस गल का बहुत विरोध आ सारे शहर के सू आवाजा फोन आ रहे पर बहुत गंद पाया होया मैं समझता कि यहोजा लोकतंत्र का घाण कदे अज तक असी सुनिया नहीं ना देखा और बहुत माड़ी गल आ और असी हर पहलू नू लैके हरेक जगह पर कोई भी फोरम हो भावें कोई ये प्रोटेस्ट हो भावें बड़े पद्धर से असी पार्टी के नोट्स में लिया के भावें किसी भी कोर्ट तक सू जाना पवे असी कानूनी लड़ाई भी लड़ा क्योंकि साड़ी असी लीगली ठीक हाँ एक परसेंट भी कोई नुकस नहीं गा सो तो ये इस गल की असी और जो शब्दों मैं निंदा करदा और साढ़े सारे आगू साहबान का सारे का बहुत धन्यवाद करना बहुत साथ दे रहे हैं और मैं बेनती करता शहर के लोगों कि इस धक्केशाही के खिलाफ अगे खड़े होइए कि आप लोकतंत्र जिंदा रखना देश के अपने पंजाब दे और इस वास्ते अपन सारू कट्ठे होकर तकड़े होकर इस गल का सामना कर लगभग 8-9 सीटा से साडा ये उन्होंने धांधली बचाई बड़ी साहब एक ट्रांसफर करती बारे भी प्रोटेस्ट किया देखो हर एंगल तो साढ़े असी प्रेस राही भी असी जिहड़ा ऑफिसर लैवल से चोण कमीशन को भी सारिया को असी प्रोटेस्ट किया असी अपना हाईकोर्ट के भी केस पाया और सारा कुछ कितने किसी ने सुनवाई नहीं की और नक्शाबंदी दे विच इन्ना मैं समझता कि बेशर्मी वाली गल करी आ 73 किलोमीटर लंबा एक बार जाता और जिहदा नाल दी नाल सर्कल बनना चाहिदा सीगा फिर वोटा एक दियां ए वार्ड दियां वोटा डी च ने डी दियां सी च ने ते इदां बहुत ज़्यादा धांधली हुई आ तां सिरे ही राती गल कि
किसी लड़न का मौका ही ना दो एदू उत्ते तक कोई गल नहीं हो सकती अभी तक कहीं पहली बार देखिए। देखो ये जिहड़ा हैगा इट्स ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं ये समझदा है कि कल्ला इस जिले की गल नहीं हैगी, सारे पंजाब दे विच कांग्रेस ने जिहड़ियां हैगियां धांधलियां मचाईयां भी आ, चाहे साढ़े प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल दे जिहड़ा हैगा जिन्होंने जेड सिक्योरिटी मिली हुई है उन्हां दे उत्ते हमला, उस तो अलावा जिहड़े होर इक्विपमेंट दे विच देखिया उत्ते जिहड़ी गोली चलना। सो ये किड्डी कबड्डी इलैक्शन हैगी है जिहदे विच इस तरह का मतलब एम एल ए या मतलब इस लैवल दे अधिकारी आके जिहड़ा हैगा इंटरफीयर करते हैं। असीं किन्ने बार इलैक्शन कमीशन नूं इस प्रति जिहड़ा हैगा मेमोरेंडम दे चुके हैं, ये कह चुके हैगे हैं कि उरे जिहड़ियां हैगियां आर्मड फोर्सेस लाइया जाण तां कि जिहड़ी फेयर इलैक्शन हो सके। नाल दी नाल असीं इह भी कहा कि वीडियोग्राफी, देखो अज की गल मैं थोनू यह दसदा कि एज पर इलैक्शन कोड जिहड़ा हैगा इन्होंने 4 बजे लिस्टां लाउणियां चाहीदियां सी, इन्होंने 4 बजे लिस्टां नहीं लाइया, हुण दफ्तर खाली पिया दफ्तर खाली छड के जिहड़ा प्रशासन आ उह कित्थे बैठा हैगा, किहड़ी थां दे उत्ते मीटिंगां कर रहा किसे नहीं पता हैगा। जदों असीं इत्थे जिहड़ी हैगी नारेबाजी करनी शुरू कीती उस तों बाद जिहड़ी हैगा प्रशासन जागिया हैगा और जाके जिहड़ा हैगा कुछ लिस्टां ला के उहदे तों चले गए हैगे आ, और जिहड़े जितण वाले कैंडीडेट सी जाण बुझ के उहनां दीआं स्पैशली जिहड़ियां हैगीआं नॉमीनेशन जिहड़े हैगे इहनां ने रिजैक्ट कीते आ। मैं इह समझदा हैगा कि अज पता लग गया कि कांग्रेस दे सरकार दे विच हनेर गर्दी है और डेमोक्रेसी दा